Okay, so in this video we are going to see the friend function with two classes. Means a particular function is friend to two classes, right? So agar aapne friend function wala video nahi dekha hai, so just go through that. Okay, so इस वीडियो में हम बोल रहे हैं कि दो क्लासेस हैं जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को अपना फ्रेंड बोल रहे हैं, राइट? ठीक है, सो यहाँ पर क्लास पी है, ठीक है. क्लास पी को हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है, डिफाइन नहीं किया है. ये यहाँ पर डिक्लेयर क्यों किया है ये अभी हम आगे देखेंगे. फिर मैंने क्लास ए को डिफाइन किया है, उसमें इंट वैल्यू जो है प्राइवेट है, इसका मतलब ये क्लास ए ही इसको यूज कर सकती है, ठीक है. देर आर डिफरेंट वेज जो कि प्राइवेट वैल्यू एक्सेस हो सकती है बाय डेराइव्ड क्लासेस एंड बाय यूजिंग द फ्रेंड फंक्शंस, राइट. सो यहाँ पर पब्लिक में हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया. कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन क्या कहती है कि वैल्यू जो है, वैल्यू क्या है, इसका प्राइवेट डेटा है, विद इन द क्लास हो रहा है, इसका मतलब ये एक्सेस कर सकता है. वैल्यू इज इक्वल टू 5, ठीक है. सिंपली वैल्यू असाइन किए, देन इसी में हमने पब्लिक में फ्रेंड इंट सम ए बी. अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक फ्रेंड नाम का फंक्शन बनाया, ठीक है, सॉरी फ्रेंड फंक्शन बनाया है, ठीक है. फ्रेंड इज अ कीवर्ड हियर, इंट इज द टाइप एंड सम इज द नेम ऑफ द फंक्शन. फंक्शन का नेम कुछ भी हो सकता है, राइट. यहाँ पर हमने दो पैरामीटर्स पास किए हैं, ए एंड बी. अब यहाँ पर आप देखेंगे ए इज द नेम ऑफ द क्लास, ओके, और बी इज द नेम ऑफ द क्लास. अगर मैंने यहाँ पर ये डिक्लेयर नहीं किया होता, क्योंकि सबसे पहले जब जो फर्स्ट क्लास जो है एनकाउंटर कर रही है इसको, कि ऑब्वियसली हमें दोनों क्लास में इसको फ्रेंड फंक्शन बनाना है सम को, तो सबसे पहले कोई तो होगा, या तो क्लास ए होगी या फिर क्लास बी होगी. तो हो सकता था आप यहाँ पर क्लास ए पहले डिक्लेयर करते फिर क्लास बी, बट इनमें से क्योंकि आप अभी यहाँ डिफाइन नहीं करना चाहते, इसको बाद में कर सकते हैं, बट फिर भी ए को पता होना चाहिए बी एक्चुअल में एग्जिस्ट कहाँ करता है, तो इसको सबसे पहले यह एनकाउंटर होना चाहिए, तो इसलिए हमने इसको डिक्लेयर किया है. इसको फॉरवर्ड डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, ओके. सो यहाँ पर हमने सिंपली पैरामीटर पास किए क्लास ए और क्लास बी का नेम आप कह सकते हैं, ठीक है. उसके बाद क्लास बी में भी हमने क्या किया, एक वैल्यू ली, इंट वैल्यू, नेम सेम हो सकता है क्योंकि इसका स्कोप वैल्यू का यहीं खत्म हो जाता है, ठीक है, और ये इसके लिए डिफरेंट चीज है, तो दोनों वैल्यू वैल्यू वेरिएबल अलग अलग चीजें हैं दोनों क्लासेस के लिए. सो इसमें भी हमने कंस्ट्रक्टर बनाया इसका. कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, वैल्यू में वैल्यू असाइन कर रहा है, ठीक है. अब इसमें भी हमने क्या किया, फ्रेंड फंक्शन बना दिया सम को, सेम फंक्शन है, पैरामीटर भी सेम पास किए. तो यहाँ पर सबसे पहली बार में जब कंपाइलर ने इसको देखा ए और बी पास हुए, तो ए इसने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये ए क्लास की बात हो रही है, बट बी कैसे रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि हमने उसको पहले डिक्लेयर किया हुआ था. अब यहाँ पर क्लास बी के लिए यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसको पता है क्लास ए यहाँ पर ऑलरेडी है और क्लास बी ऑलरेडी हम डिक्लेयर भी कर चुके हैं, और इसी के अंदर हम बात करें तो कंपाइलर को प्रॉब्लम नहीं होगी कि बी कहाँ है, ठीक है, बी एक्चुअल में है क्या, ओके. क्लास क्लोज हो गई है. इसके बाद हम इस पर्टिकुलर फ्रेंड फंक्शन को, जिसे हमने दोनों ही क्लास में फ्रेंड बनाया है, उसको हम डिफाइन कर रहे हैं. ए ए इज अ क्लास और वी वन इज द ऑब्जेक्ट. बी इज द क्लास और वी टू इज द ऑब्जेक्ट फॉर क्लास बी, ओके. सो यहाँ पर हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, वी वन मीन्स जो ए का ऑब्जेक्ट है उससे वैल्यू, प्लस बी का जो ऑब्जेक्ट है v2, उससे हम वैल्यू दोनों ही क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है. तो सम एक्चुअल में क्या कर रहा है कि इसका जो भी ए क्लास का जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो ये इसकी वैल्यू जो है एक्सेस करेगा और बी की भी वैल्यू यहाँ पर एक्सेस होगी. मीन्स यहाँ पर हम दोनों के दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को एक साथ एक सिंगल लाइन में जो है एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, ओके. मेन फंक्शन पर आते हैं. सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ए के लिए, विच इज स्मॉल ए. जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो एक्चुअल में क्या होता है, कंस्ट्रक्टर जो है रन करता है, रन करेगा तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली वैल्यू जो है 5 असाइन हो गई है. देन बी के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ वैल्यू 3 जो है असाइन हो गई है. देन उसके बाद हमने किया सम, सम ए बी. अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ए का स्मॉल ए है और बी का स्मॉल बी है, ये दोनों क्योंकि कॉल हुई है तो डेफिनेशन का है यहाँ पर. अब अगर आप देखें तो हमने क्या किया था, क्लास ए का एक ऑब्जेक्ट है वी वन, क्लास ए का यहाँ पर
ऑब्जेक्ट है ए, ये दोनों क्या हो रहे हैं एक्चुअल में, आप कह सकते हैं जैसे हम नॉर्मली फंक्शन जो है कॉल करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो वो वाली डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, मैप हो रहा है, ठीक है। हम हर जगह उसका टाइप नहीं बताते, यहाँ पर कॉलिंग के टाइप पर स्पेशली, ठीक है। ए किससे रिप्लेस हो गया, वी वन से, और बी किससे रिप्लेस हो गया, वी टू से। और वी वन डॉट वैल्यू मीन्स आप कह सकते हैं ए डॉट वैल्यू, ए डॉट वैल्यू मीन्स जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू क्या है, विच इज 5, एंड बी इज फॉर वी टू, वी टू की वैल्यू क्या है, वी टू डॉट वैल्यू मीन्स बी डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या है, 3। तो इन दोनों का सम हो जाएगा और वो जो वैल्यू होगी वो फाइनली क्या कर रहे हैं, सम में जो भी रिटर्न होगा, वैल्यू रिटर्न एक्चुअल में यहीं पर हमने लिखा है, इसका मतलब जो भी वैल्यू यहाँ आएगी सम होकर वो रिटर्न हो जाएगी, मीन्स आउटपुट कंसोल पर प्रिंट हो जाएगा। अब देखें तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, 5 एंड 3, सो आउटपुट क्या होना चाहिए, 8।